Welcome to my bedroom. Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. So आज की वीडियो होने वाली है बेडरूम मेकओवर. सो आई थिंक जब से मैं यहाँ पर मूव हुई हूँ तब से मैंने बेडरूम का कोई टूर नहीं दिखाया है. आप लोगों को चलते फिरते मेरे व्लॉग्स में मेरा बेडरूम दिखता रहा होगा बट कभी भी ऐसे प्रॉपर टूर नहीं दिया है. यू आर अ न्यू व्यूअर एंड वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेट मी गिव यू अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रूम. सो बेसिकली दिस इज आवर ओन अपार्टमेंट. 2 साल पहले हम लोगों ने वाला घर परचेस किया था. ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, पर्सनल रीजंस में इसका कभी भी मेकओवर प्रॉपर नहीं कर पाई थी. जैसा ही ऑर्गेनाइज हो गया था बस ये वैसे ही चल रहा था. I thought now it's good time to give it a makeover. Makeover क्या थोड़े से बहुत changes करे हैं मैंने. लोगों ने मेरे पुराने makeovers देखे होंगे तो आपने मेरे काफी colorful makeovers देखे होंगे. I usually love colors, pop of colors, इसका उसका और काफी vibrant colors मुझे पसंद आते हैं. But this time मैंने इस room में काफी subtle, because summers are going on, मैंने थोड़े से subtle colors, pastel colors use करे हैं. मैंने ये color theme कभी भी नहीं choose करी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकओवर. ये कुछ स्टेप्स में होने वाला है. अगर आपने मेरे पुराने DIYs देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ हाथ से DIY बनाती हूँ. बट इस बार बिकॉज आई हैव अ लिटिल डॉटर जिसकी वजह से मैं DIYs तो नहीं कर पाई, पेंट एंड ऑल दैट, बट मैंने ट्राई किया कि मैं अपना टच दे करके कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह निकाले हैं. सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे पहले आते हैं रिक्वायरमेंट के सेक्शंस में. मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट था हम वो देखेंगे, क्या क्या मुझे परचेस करना है, कलर थीम डिसाइड करेंगे एंड या लेट्स गो. तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी मुझे इस बेडरूम को मेकओवर करने के लिए चाहिए रहेगा. जैसे मुझे क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या डीक्लटर करना है, क्या क्या परचेस करना है और क्या क्या अरेंज करना है, क्या मेरे DIY हैं, थीम डिसाइड करना है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे परचेस करना है. कर्टन्स करना है, दोहर बेडशीट, थोड़े बहुत वॉल आर्ट वगैरह मैं बनाने वाली हूँ. उसके बाद मुझे एक आध पॉट वगैरह मैंने ऐसा सोच के रखा है. नाउ लेट्स सी कैसे ये आगे जाता है. We can leave and run away someday, someday. तो मैं इस बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ. मैंने कभी भी पेस्टल शेड्स नहीं ट्राई करे हैं तो मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ पेस्टल कलर्स इस बार यूज़ करूँ. तो मैं वही कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह डिसाइड कर रही थी और जब हमने थीम डिसाइड कर ली तब हम आ गए अमेज़न के ऊपर और अब हम लोग करेंगे शॉपिंग. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ढूंढ रही हूँ कर्टन्स कि मुझे किस तरीके के कर्टन्स परचेस करना है. बिकॉज़ मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने कोई नए कर्टन परचेस नहीं करे, तो एक कर्टन परचेस करना तो बनता है. कुशन कवर्स भी मैंने ऑर्डर कर दिए हैं. फिर मैंने दोहर देखी क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं इस घर में आई तो मैंने लिटरली कुछ नया नहीं खरीदा था, मैंने सब कुछ पुराना ही रीयूज़ किया था. तो मैं सोच रही थी कि कुछ कुछ चीज़ें परचेस की जाएं, दिस इज़ द राइट टाइम. तो एक कॉटन की दोहर परचेस करी. यहाँ पर मैं बना रही हूँ आर्ट वर्क. मुझे क्या वॉल पे आर्ट चाहिए क्योंकि इस बार पेंटिंग तो नहीं कर सकती मैं, तो फटाफट से आर्ट वर्क बना रही हूँ और इसको मैं प्रिंट आउट में कन्वर्ट करके फिर अपने रूम में लगा लूँगी. तो देखते हैं कैसे टर्न आउट होता है. और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने ऑर्डर किया था अमेज़न का सामान, वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं और मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया. एक ही गो में मेरे पास सब कुछ परफेक्ट आ गया है और ये मेरा प्रिंट आउट भी आ चुका है. तो जो जैसा मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो सब कुछ बिल्कुल वैसी ही आई हैं. तो जब मैं भोपाल में थी मैंने अपने बेडरूम मेकओवर के टाइम पे ये लैम्प परचेस किया था, लेकिन इसका जो शेड है उसमें काफ़ी बोल्ड कलर्स हैं जिसको हटा करके मैंने एक शेड अमेज़न से मंगवाया और उसमें लगा दिया और एकदम परफेक्ट आया और ये बहुत प्यारा लग रहा है और हमारे जो थीम है उससे मैच हो रहा है. नाउ अब बारी आती है कर्टन्स लगाने की. तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि किसको किसके साथ मैच किया जाए. फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में देखने के मैं ना पिंक कलर के कर्टन के साथ ये वाला कर्टन बहुत अच्छा लग रहा था, प्रिंटेड वाला, बट लाइव रूम में ये थोड़ा हैवी लग रहा था आईज़ पे. तो मैंने क्या किया, प्लेन वाला भी लगा लिया और प्रिंटेड वाला भी लगा लिया कि जब पूरा रूम मेकओवर हो जाएगा तब एक्चुअली में समझ में आएगा कि दिखने में और आँखों पर ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है.
So this is the main door of my bedroom and you are standing in the porch area. Mere left hand side mein we have a washroom, master bedroom ke saath connected hai. And then washroom se bahar aate hi yahan par hum logon ne mirror lagaya hai. Humne bedroom mein kahin par bhi mirror nahi lagaya hai and we a fixed mirror here. Bahut sare log mujhe bolenge ki washroom ke samne mirror nahi hona chahiye according to vastu. Wo un cases mein nahi hona chahiye ki aapka washroom ka door open na ho ya uske सामने बिल्कुल सीट ना दिख रही हो, जो हमारी टॉयलेट सीट्स होती है वो नहीं दिखनी चाहिए. तो हमारी जो टॉयलेट सीट है वो उस तरफ है. इस मिरर के सामने भी मिरर ही लगा हुआ है एंड देयर इज अ सिंक एरिया. सो आई मायसेल्फ डन वास्तु कोर्स, मैंने खुद ने भी वास्तु का कोर्स कर रखा है. अकॉर्डिंग टू वास्तु ये कोई गलत नहीं है, कुछ भी एकदम सिंपल. बस एक लाइट लगाई है ऊपर, आप देखेंगे तो दो लाइट्स लगी हुई है, दैट्स इट रेडी होने के लिए. चलिए अब आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम के तरफ. तो मेरे जो राइट हैंड साइड का एरिया है वहां पर बेड एंड ऑल सारी चीज है. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वार्डरोब है जो कि फोर डोर वार्डरोब्स है. ये वार्डरोब अभी कंप्लीटली मैं ही यूज कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो सेकंड बेडरूम है उसका वार्डरोब यूज करते हैं. हम चाहते तो यहाँ पर पूरी वॉल फुल साइज का वार्डरोब बनवा सकते थे, बट यहाँ पर ऑलरेडी वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है एंड दूसरी चीज हम लोग काफी टाइट बजट पे थे जब हम लोगों ने इसका इंटीरियर करवाया था. तो ये वार्डरोब भी काफी अच्छी खासी साइज की है, बस यहाँ पर दिक्कत ये कि ऊपर हमने लॉफ्ट नहीं बनवाया, बट हमारे पास किचन में काफी स्पेस है, हमने ऊपर काफी सारा लॉफ्ट बनवाया. फिर सेकंड रूम में भी अभी हमने रेनोवेट करवाया है तो लॉफ्ट बनवा दिया है, तो वी हैव ऑलरेडी इनफ स्पेस. तो ये पूरा डिजाइन और सब कुछ हम लोगों ने किया है. यहाँ पर काफी सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बनवा रखे हैं तो स्टोर करने में काफी अच्छा होता है. बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है बट फिर भी. वार्डरोब के सेक्शन के बाद हम इधर आते हैं. तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोगों ने बस एक पूफ रखा हुआ है और ये ड्रॉर जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर का सेट है ये मेरी डॉटर का है जो पूरा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है. इसके ऊपर मैंने तीन ऐसे प्लांटर्स रख दिए हैं. चेस्ट ऑफ ड्रॉर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मेरा आता है वर्किंग स्टेशन. यहाँ पर मैं काम करती हूँ बैठ करके और मेरा लैपटॉप वगैरह सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है. यहाँ पर भी एक ड्रॉर दी हुई है. इसमें जो पूरा आप लाइन से फर्नीचर देख रहे हैं ये तीनों आइकिया का है. तो आइकिया का फर्नीचर बहुत स्टर्डी तो नहीं होता है लेकिन अगर आप उसको एक ही इंटैक्ट करके यूज करेंगे ना तो वो चलेगा अच्छा. मतलब हमारा अभी तक चल ठीक ठाक रहा है. नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये है कर्टेन्स. ये ऑब्वियसली मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा पाउडर पिंक कलर, आप बोलेंगे थोड़े पेस्टल पिंक टाइप का कलर है, तो उसके मैंने कर्टेन्स लिए. बड़ा रिस्क किया, मैं बड़ी कंटेम्पलेट कर रही थी मेरे माइंड में कि मुझे लेना चाहिए कलर या नहीं लेना चाहिए, बट लगा लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है. और विक्की को ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था. आप ये मत बोलना कि आपका हस्बैंड, सो वी आर नॉट समवन की कलर इज कोई जेंडर डिफाइंड कलर है, तो उसको भी अच्छा लगा ऑब्वियसली ये कलर वगैरह. तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. और हमने जो पुराने कर्टन्स हैं वाइट वाले जो लगे हुए हैं ना, वो पुराने ही कर्टन्स हैं. तो ये कर्टन का एरिया है. बाहर पीछे एक छोटी सी बैल्कनी है. ये जो है एक कस्टम मेड बेड भी हम लोगों ने कस्टमाइज करवाया हुआ है. और ये जो पीछे का आप हेडरेस्ट देख रहे हैं ये भी हम लोगों ने यहाँ आकर के कस्टमाइज करवाया है. तो यहाँ पर बस बेड साइड टेबल है, बहुत ही सिंपल सा. दो लैंप लगे हुए हैं जो कि अगेन आइकिया के काफी पुराने जल रहे हैं मेरे पास. दो मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, वो भी अभी वीडियो बनाया है इसलिए प्लांटर्स रखे हैं. ये प्लांटर्स यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा बेसिक सामान होता है. बाकी सब चीज इंटैक्ट है, वही रहती है, बट ये प्लांटर्स यहाँ नहीं रहते हैं. ये सिर्फ अभी वीडियो के लिए थोड़ा एस्थेटिक दिखने के लिए मैंने लगाया है. और यहाँ पर ये जो दो फ्रेम्स हैं इनको मैंने बस आर्ट प्रिंट करके लगा दिया है एंड यस That's it. Coming to this area, this is my dresser. अब आप सोचेंगे कि आपको क्या तैयार होने के लिए बार बार मिरर के पास जाना पड़ता है, तो नहीं, यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे मिरर्स भी रखे हुए हैं और इसको मैंने अभी रिसेंटली ही ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छी तरीके से. काफ़ी सारी डीक्लटरिंग करी है सो इसलिए मैं आपको हर चीज़ दिखा पा रही हूँ. तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी है. यहीं पर मेरा बस ये तीन चार सेक्शन है जिसमें मैंने अपना मेकअप रख रखा है. बाकी फिर मेरे जर्नलिंग का सामान, टू डू लिस्ट का सामान, मेरा आईपैड, फिर मेरा कैमरे वगैरह, इन सबका स्टोरेज मैंने इसी में रख रखा है. और यहाँ पर दो शेल्व्स हैं जो कि अगेन मैंने कस्टमाइज ही करवाई है. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. और जल्दी ही मैं अपना जो सेकंड बेडरूम है जो हमने पूरा रेनोवेट किया है उसका भी जो वीडियो है वो लेकर के आऊंगी. सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.